खबर है सोनभद्र से। आपको बताते चले कि थाना दुद्धी पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एक ट्रक से 16,620 बोतलों में 5,320 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 53,20,000 रुपये आंकी जा रही है। वहीं शराब को बरामद कर एक अंतर्राज्यीय शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। आगे बताते चले कि पुलिस अधीक्षक सोनभद्र द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया गया है। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन और क्षेत्राधिकारी दुद्धी के निर्देशन में दिनांक 26/3/2023 को थाना दुद्धी पुलिस रसखड़ से हाथी नाला रोड पर गश्त कर रही थी कि रसखड़ से हाथी नाला की तरफ से जाने वाली सड़क पर ट्रक संख्या RJ14GN0048 और बता दे कि मजे की बात वही इंजन नंबर और चेसिस नंबर खुर्चा हुआ था, जो जले हुए हालत में गढ़दरवा मोड़ से पहले मुख्य सड़क पर खड़ी थी। जिसकी चेकिंग की गई तो ट्रक से सी ग्रिम्स रिजर्व इंपीरियल ब्लू ग्रीन विस्की 180 ml की 10,560 बोतलें, सी ग्रिम्स रिजर्व इंपीरियल ब्लू ग्रीन विस्की 375 ml की 3,000 बोतलें, मैकडाउल नंबर 1 750 ml की 3,060 बोतलें, कुल 16,620 बोतल में 5,320 लीटर अंग्रेजी शराब, जिसकी अनुमानित कीमत 53,20,000 रुपये बताई जा रही है, वह बरामद हुआ है। और मौके से एक अभियुक्त रामा राम पुत्र नेहरा राम निवासी मिठिया वास होडू थाना सिंडरी जनपद बड़ा में राजस्थान को गिरफ्तार किया गया है। कल दिन में लगभग 1 बजे के आसपास दुद्धी पुलिस जब रजखड़ से हाथीनाला रोड पे गश्त कर रही थी, तो उसे एक सड़क के किनारे एक ऐसा ट्रक मिला जो अधजली अवस्था में था, जिसके केबल का कुछ पार्ट जला हुआ था। तो पुलिस ने रुक करके जब उसको चेक करना शुरू किया तो उसमें से उसका ड्राइवर भागना शुरू किया, जिसको पुलिस ने दौड़ा के पकड़ लिया। और जब पूरी गाड़ी को चेक किया गया तो ऊपर भूसा लदा था, उसके नीचे इसमें 5,300 लीटर अंग्रेजी शराब लदी हुई थी। और पुलिस ने जब पूरी चेक किया तो इसको इस शराब को रिकवर किया, और ये जब इसका मूल्य लगाया गया तो ये लगभग 53 लाख मूल्य का ये पूरी शराब है। इसमें बिस्की भी है, मैकडाउल कंपनी की है, इंपीरियल ब्लू की है और एक दो और कंपनियों की है। पुलिस ने इसकी जब गाड़ी चेक किया तो इसमें इसके नंबर पे फुरेज दिया गया था, इसका जो इंजन नंबर चेसिस नंबर है उसे मिटाने का प्रयास किया गया था। पुलिस ने 419/20/60/63 आबकारी अधिनियम का मुकदमा पंजीकृत किया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसके स्रोत कहां से चला है और कहां जा रहा है इसका पता लगाया जा रहा है, पता लगते ही इनको भी मुलजिम बना के आगे कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में कितने आरोपी पकड़े गए हैं? एक आरोपी पकड़ा गया है, चालक। ये करना ये हरियाणा से आ रही थी और ये जाते तो छत्तीसगढ़ में, लेकिन बता तो रहे कि छत्तीसगढ़ जा रही थी, बट छत्तीसगढ़ के रास्ते बिहार जाने का भी जाती है प्राय जो अवैध शराब है, क्योंकि तो बिहार में शराब बंदी नहीं आए। ये सब अवैध जो है वो गिल्टी के साथ थोड़ी जाती है। ये आग लगने से गाड़ी रुक गई, गाड़ी पंचर पहले से थी, वो ये सोचता था कि हम यूपी क्रॉस कर जाएंगे इसी पंचर गाड़ी के साथ, बट ये क्रॉस नहीं कर पाया। इन द मीन टाइम लग गई, मे बी कि इसके आगे भी हमारे थाने और चौकियां हैं, यहाँ ना पकड़ी जाती तो कहीं आगे पकड़ी जाती, चेकिंग आगे भी लगी हुई थी, बट ये वहीं चूँकि जल गई गाड़ी तो वहीं पकड़ी। खोल पोस्ट के लिए विवेक पांडे की सोनभद्र से रिपोर्ट।